कॉमन क्रेट प्रजाति का सांप है। जहरीले सांपों के नामचार खुनसपुर से नाग एवं मण्यार दोस्तों। तो जहरीले सांपों में से भारत में रात के समय मिलता है। ये सांप काटने के बाद शरीर के ऊपर कोई लक्षण नहीं आते, कोई सूजन नहीं होती, कोई जलन नहीं होती और सांप ने काटा ऐसे समझ में भी नहीं आता। बिल्कुल 7 घंटे तक आदमी नॉर्मल रह सकता है और 7 घंटे के बाद पेट में गड़बड़ होती है, एक खून की उल्टी हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है और बाद में पीएम रिपोर्ट में ही समझ में आता है कि एक क्रेट का बाइट था। नमस्ते दोस्तों, यू ऑल आर वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्नेक फ्रेंड वनिता बोराडे। वी आर एट युवरा आश्रम तहसील मेकर डिस्ट्रिक्ट बुलढाणा एंड टुडे एट नाइट 8:30 PM मिस्टर विधि शल्केश हाउस हियर इज अ वेरी poisonous and dangerous snakes which called the common crate, which is the most beautiful but dangerous snakes from India. There are big 4 poisonous snakes in India. We are seeing this is the worship house of the god at Mr. Vidhi Shalke's house. हम लोग देख रहे हैं सर्प मित्र वनिता जी को यहाँ बुलाया गया है और ये शल्के जी है जिनके घर पर ये सांप निकला है बिल्कुल किचन के अंदर। यहाँ पूजा घर है, भगवान का पूजा का निवास होता है और ऐसे पूजा घर के पवित्र स्थान पर यहाँ एक बहुत ही जहरीला सांप है जो जहरीले प्रजाति का है। हमारे भारत के अंदर जहरीले सांपों के नाम चार घोनसपुर से नाग एवं मण्यार दो। यहाँ पर एक बहुत ही जहरीले प्रजाति का मण्यार सांप है जिसे कि हिंदी में कॉमन, अंग्रेजी में कॉमन क्रेट कहते हैं, हिंदी में करेट सांप कहते हैं, जो कि भारत का सबसे जहरीला सांप है जो नागराज के विष से मेल खाता है। दोस्तों नागराज का जहर और कॉमन क्रेट का जहर एक समान होता है और इतना जहरीला सांप ज्यादा जहरीला सांप होता है दोस्तों। और भगवान का पूजा घर है और जिसके पूजा घर के बिल्कुल पीछे छिप चुका है। हम कुछ ही क्षण में देखेंगे बहुत ही सुंदर सांप को जो कि काफी तगड़ा है, पूरा डेवलप्ड स्नेक है दोस्तों, भारत का सबसे जहरीला सांप जिसे अभी हम कुछ ही क्षणों में पकड़ने जा रहे हैं दोस्तों। सर्प मित्र वनिता जी जो कि यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में पाएंगे बहुत ही खतरनाक जहरीले सांप को जो कि नागराज के और इसके जहर में साम्यता होती है दोस्तों। और अगर काट खाए तो कोई बचने की संभावना नहीं है, बहुत ही खतरनाक और एकदम जहरीला सांप है। दोस्तों ये कॉमन क्रेट प्रजाति का सांप है। जहरीले सांपों के नाम चार खुनसपुर से नाग एवं मण्यार दोस्तों। तो जहरीले सांपों में से भारत में ज्यादातर घरों के अंदर पाए जाने वाला ये सांप है। चिपकलियां एवं चूहे खाने के उद्देश्य से ये सांप घर के अंदर आता है दोस्तों। ये सांप के मुंह से लेके आधे भाग पर एक सफेद रंग का टीका होता है और आधे भाग से पूंछ की तरफ दो दो सफेद रंग की कड़ियां होती है दोस्तों। और ये सांप जो है दिखने में छोटा दिखता है लेकिन ये भारत का सबसे जहरीला सांप है दोस्तों। अगर काट खाए तो बचने की कोई संभावना नहीं और इलाज के लिए भी समय नहीं देगा दोस्तों। ये सांप दिन में सुस्त होता है और रात में बहुत ही सक्रिय होता है और इसने अगर काट खाया तो बचने की संभावना नहीं होती दोस्तों। भारत का सबसे जहरीला सांप है दोस्तों जिसे कहते हैं मण्यार कॉमन क्रेट। मुंह हो रहा है धीरे धीरे, हम लोग देख रहे हैं दोस्तों इसका खतरनाक मुंह। टुडे यू आर वॉचिंग अवर नॉलेजफुल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल ऑन यूट्यूब स्नेक फ्रेंड वनिता बोराडे। हियर इज द स्नेक फ्रेंड वनिता बोराडे विच इज द हर्पेटोलॉजिकल साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स ऑफ स्नेक्स एंड ऑल्सो रेस्क्यू एंड रिलीज द 51,000 स्नेक्स एंड मेक्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। यू आर वॉचिंग हियर स्नेक फ्रेंड वनिता बोराडे विच इज द प्रिपेयर फॉर
this rescue. This is the most poisonous and very dangerous snakes, which is called the common crate in English, from the Elapidae families with the neurotoxic poisons. And now snake friend Vanita Borade have prepared for this rescue. The snake is so dangerous and very active snake, which is in day looks like the very calm, but at the night time it's a very active snake. We are seeing the very adult, very big common crate, which is called the become the conscious. And snake friend Vanita Borade, the experts of one, the first woman snake rescuer in the world, she have successfully rescued it, and now packaging it in a plastic jar very successfully, very calmly and very easily. दोस्तों, विश्व का और भारत का सबसे जहरीला सांप, जिसे कर एक प्लास्टिक जार में डाल दिया है, तो बहुत ही सुंदर सांप, बेझिझक पकड़ के एक प्लास्टिक जार के अंदर डाल दिया है दोस्तों। रात में ज्यादा सक्रिय होता है, ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग वन विभाग की सहायता से और पीपल फॉर एनिमल संस्था की तरफ से इसको जंगल में छोड़ देंगे दोस्तों। और बड़ी यशस्विता सर्वमित्र वनिता जी ने सहज रूप से इसको पकड़ लिया है दोस्तों। घर में चूहे, छिपकलियां एवं इसका अनाज शोध करने के लिए आता है, और अक्सर रात के समय मिलता है। ये सांप काटने के बाद शरीर के ऊपर कोई लक्षण नहीं आते, कोई सूजन नहीं होती, कोई जलन नहीं होती, और सांप ने काटा ऐसे समझ में भी नहीं आता। बिल्कुल 7 घंटे तक आदमी नॉर्मल रह सकता है, और 7 घंटे के बाद पेट में गड़बड़ होती है, एक खून की उल्टी हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, और बाद में पीएम रिपोर्ट में ही समझ में आता है कि एक क्रेट का बाइट था। बहुत ही डेंजरस सांप है दोस्तों, और ऐसे खतरनाक सांप को बड़े यशस्वी रूप से पहचान कर शांत, एकदम शांति के साथ और सहजता के साथ सर्प मित्र वनिता जी ने पकड़ लिया है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सर्प मित्र वनिता बोराड़ी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर घर मालिक है, हम इनसे जान लेंगे अभी इनको कैसा लग रहा है। आप बोल सकते हैं, बोलिए, आपको कैसा लग रहा है अभी? आप सामान दे पकड़ ले, बोल वीडियो टेक कर ले, बेच दे, हां मना ले, बेचने को गली दरिया दी।